अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को शाम दीजिए। आज हम बात करेंगे आने वाले चेयरमैन पीसीबी के बारे में, आने वाला चेयरमैन पीसीबी कौन होगा और ये कब जो है वो अपने उधर का चार्ट मारेगा, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन आपको बताते चलें, पाकिस्तान में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक़ हैं इमरान खान, उनके खिलाफ तरीके अदम अतमाद कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान थे इमरान खान, वो घर जा चुके हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म जो के अहदे पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज़ शरीफ, इस टाइम पर जमाए और ये खबरें गर्दिश कर रही कि रमीज़ आज़म जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्हें अपने अहदे से हटा दिया जाएगा या रमीज़ आज़म खुद इस्तीफा दे देंगे। अभी हमारी जो इतलात के मुताबिक रमीज़ आज़म ने इस्तीफा न देने का फैसला किया गया है, मगर जो हुकूमत की तरफ से जो है रमीज़ आज़म किसी वक्त भी हटाया जा सकता है। उनकी जगह चेयरमैन पीसीबी के नाम जैसे गौर आ रहा है वो नजम सेठी का है। नजम सेठी पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की बाली और इंटरनेशनल लीग का भी इनकार किया, इसलिए जो है नजम सेठी का नाम काफ़ी ज़्यादा गौर से लिया जा रहा है कि नजम सेठी को दोबारा जो है चेयरमैन पीसीबी लगाया जाए। आपको क्या लगता है कि नजम सेठी जब बेहतर जो पीसीबी के चेयरमैन है या रमीज़ आज़म, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।